मुशोकु तेंसेई एनिमे के अंदर वापस से डिप्रेसिव मोमेंट्स लौट चुके हैं जो कि हमने सीजन 2 में ऑलरेडी एक्सपीरियंस किए हुए थे, लेकिन ये वाले डिप्रेसिव मोमेंट्स उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है और इसमें से रूडी को बाहर आने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है। मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आपने मुशोकु तेंसेई सीजन 2 पार्ट 2 का एपिसोड 10 ऑलरेडी देख लिया है और उसके बाद ही ये वीडियो आप देख रहे हो, वरना स्पॉइलर वार्निंग। और एक बात तो है कि क्या टाइमिंग पे इन्होंने ये एपिसोड रिलीज किया है, फादर्स डे पे, माय गॉड। और इस एपिसोड के अंदर एक बहुत ही बड़ा वाला फन फैक्ट है, एक्चुअली फन फैक्ट नहीं लेकिन एक फैक्ट है जो कि बहुत लोगों को पता नहीं होगा। क्या आपको याद आ रहा है जब रियूडिस एक बच्चा था तब उसने अपने दोनों हाथ को एक एक नाम दिए थे, हल्क एंड हरक्यूलस, राइट? और अभी इस एपिसोड में उसका लेफ्ट आर्म चला गया है और उसका नाम था हरक्यूलस। और ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर, आई थिंक ग्रीक का ही मिथोलॉजी है ये हर्क और हरक्यूलस का, अगर मैं रॉन्ग हूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर देना, लेकिन ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर हरक्यूलस अपना खुद का सैक्रिफाइस देके एक ड्रैगन को मारता है। और वही काइंड ऑफ सेम चीज हमें इस एपिसोड के अंदर देखने को मिलती है, जहां पर रियूडिस का लेफ्ट आर्म यानी कि हरक्यूलस जिसको नाम दिया था वो सैक्रिफाइस हो गया और उसके बदले में वो मॉन्स्टर को मार सका। पॉल की डेथ इस एपिसोड का सबसे बड़ा ट्रॉमेटाइजिंग मोमेंट तो है ही, लेकिन मुझे उस टाइम पे भी बहुत बुरा लगा था जब रियूडिस अपना हाथ रीजनरेट करने को जाता है और तब उसे पता लगता है कि देयर आर सम थिंग्स दैट आई कैन नॉट डू, मेरा टूटा हुआ हाथ में रीजनरेट नहीं कर सकता, मैं शायद से कुछ लोगों को हील कर सकता हूँ बट नॉट दिस। और जब रियूडिस अपने हाथ को हील करने के बाद खड़ा होके सबके मुंह की तरफ देखता है एक एक करके बड़ी खुशी से कि भाई अभी इस मॉन्स्टर को तो मैंने खत्म कर दिया, लेकिन सबके चेहरे देखने के बाद जो नेक्स्ट फ्रेम आती है वो फ्रेम प्रोबेबली पूरे मुशोकु तेंसेई सीरीज की सबसे बढ़िया और डिटेल्ड फ्रेम थी। इस फ्रेम को देख के लिटरली लग रहा है कि पॉल इज नो मोर। उसकी आंखों में जो डिटेल्स है, उसके मुंह से जो ब्लड आ रहा है, वो सारी डिटेल्स देख के तुरंत ही समझ गए थे ऑडियंस कि दिस इज गोइंग टू बी रियली हार्ड फॉर रियूडिस फ्रॉम नाउ ऑन। अंदर ही अंदर मुझे पॉल की डेथ के बारे में पता होने के बावजूद भी मैं उसे जिंदा एक्सपेक्ट कर रहा था, बाय एनी चांस वो जिंदा रह जाए। लेकिन जैसे ही उसकी फेस वाली फ्रेम जूम आउट होके उसके पूरी बॉडी की हालत दिखाती है, तब ये चीज कंफर्म हो जाती है कि पॉल इज नो मोर। और दो टुकड़ों में बटने के बावजूद भी जब रूडी पॉल के सामने आता है और रूडी को वो जिंदा देखता है, तब मरने से पहले वो छोटी सी एक स्माइल देके मरता है, एंड दैट हिट्स इवन डीपर फॉर मी। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में तो सभी लोग पूरे एक्साइटेड और एडवेंचरस वाइब में थे, लेकिन जैसे ही हम इस एपिसोड के एंड तक पहुंचे, सारे सपने हमारे चकनाचूर हो गए। ये एक्चुअली जब सीजन स्टार्ट हुआ था तब मैं मुशोकु तेंसेई यूट्यूब पे ही देख रहा था और यूट्यूब पे मुझे आदत है कि मैं कॉमेंट सेक्शन बहुत पढ़ता हूँ, और उस कॉमेंट सेक्शन में बहुत लोग मांगा रीडर्स या फिर लाइट नॉवल रीडर्स बोल रहे थे कि अभी बहुत खतरनाक वाली चीज आने वाली है, डिप्रेशन आने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, एंड आई वॉज रियली एक्सपेक्टिंग समथिंग टू हैपन, लेकिन इतना नहीं भाई। और मुझे इस सीरीज के अंदर सबसे बढ़िया बात क्या लगती है पता है, कि ये सीरीज किस तरह से डेथ और मरे हुए लोगों को हैंडल करती है, विच इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट मुशोकु तेंसेई। अगर सपोज यही सेम चीज किसी दूसरे एनिमे सीरीज के अंदर होती, किसी शोनेन एनिमे के अंदर लाइक ब्लैक क्लोवर, तो हमारा आस्था ये सब देख के इतना गुस्सा हो जाता और रेज में आके उस मॉन्स्टर को खत्म कर डालता, लेकिन यहाँ पे सब उल्टा होता हुआ हमें दिखता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुशोकु तेंसेई मुझे अभी तक की सबसे यूनिक फैंटेसी एनिमे सीरीज लगी है। यहाँ पे उल्टा क्या हुआ कि ऑलरेडी वो मॉन्स्टर मर चुका था और मेन कैरेक्टर तो बहुत खुश भी हो गया था, लेकिन जब वो दूसरी तरफ देखता है तब उसे पता लगता है कि इस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए मुझे कितना बड़ा सैक्रिफाइस देना पड़ा है। और सपोज वहां पे कोई रियूडिस की जगह पे या फिर उसके पार्टी मेंबर्स के जगह पे कोई दूसरे एनिमे कैरेक्टर्स होते तो वहीं पे वो रोना स्टार्ट कर देते, लेकिन रियूडिस का ट्रॉमा इतना डीप है कि उसको रोने ही नहीं आ रहा है। और अभी पॉल की डेथ ही बस रियूडिस का टेंशन नहीं है, बल्कि दूसरे साइड पे उसकी माँ की याददाश्त भी चली गई है, और अगर आगे जाके उसको कुछ याद ही नहीं आया तो पॉल की डेथ पूरी तरह से वेस्ट हो गई, ऐसा रियूडिस को लगने लगेगा, एंड ही विल स्टार्ट टू हेट हिज मदर टू। और बस देखो, बस रियूडिस का ही सीन नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे सारे पार्टी मेंबर्स पे फोकस किया जाता है और हमें दिखता है कि उनमें से एक भी आदमी रोया नहीं है, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी, क्योंकि उन्होंने उस डंजन के अंदर रेड करने से पहले अपने मन की तैयारी कर ली थी
उनको पता था कि इसके अंदर जाना मतलब मौत को चुनौती देना है। शायद अंदर जाने के बाद मैं मर सकता हूँ या फिर मेरा कोई दोस्त मर सकता है, एंड दे वर ऑल रेडी फॉर इट। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रीडर्स का धीरे धीरे आगे जाके एनाकिन स्काईवॉकर जैसे कुछ होने वाला है। आई होप इट डजंट हैपन दो। और मुझे पर्सनली लगता है कि रीडर्स की इतनी पहचान हो गई है, इतने लोग उसको पहचानने लगे है कि वो आगे जाके अपना हाथ वापस से रीजनरेट इजीली कर लेगा। लेकिन आगे जाकर सबसे बड़ा पॉइंट होने वाला है कि इस पीटीएसडी से रीडर्स को बाहर आने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि जब एरिस छोड़ के इसको गई थी तो कम से कम उसने 4 एपिसोड्स तो उस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए लिए थे, और ये इवेंट एरिस छोड़ के जाने से तो कई बड़ा है। पॉल की तो डेथ हो गई, लेकिन दूसरी तरफ उसका बच्चा भी पैदा होने वाला है, जहां पर उसको ये सब मैटर निपटा के वहां पे प्रेजेंट रहना है, विच इज गोइंग टू बी अ लिटिल डिफिकल्ट नाउ। क्या करे रीडर्स भैया, तुम्हारी तो वाट ही लगती जा रही है। मैन गॉड ने तो पहले ही कहा था कि रीडर्स तुम अगर वहां पे जाओगे अपने मॉम को बचाने के लिए जाओगे तो तुम रिग्रेट करोगे, लेकिन रीडर्स ने उसकी बात सुनी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ रीडर्स को मैन गॉड का रियल मोटिव भी पता नहीं है, उसके गोल्स भी पता नहीं है, तो हर बार उसको फॉलो करना भी सही बात नहीं होगी। आई थिंक रीडर्स डिड द राइट चॉइस, और अभी हमें देखना है कि आगे इस एपिसोड में सीरीज के अंदर क्या होने वाला है, और रीडर्स इस चीज को अभी मॉम की मेमोरी लॉस को किस तरह से हैंडल करने वाला है, और वो अपनी मॉम को अभी याददाश्त खो जाने के बाद कहाँ पे रखेगा। क्या वो अपने साथ उसको अपने घर पे लेके जाएगा या फिर कहीं पे ऐसे ही छोड़ देगा। आई होप ही डजंट डू दैट। एनीवे, आने वाले एपिसोड डिप्रेसिंग और इंटरेस्टिंग दोनों ही होने वाले हैं, तो देखते हैं आगे सीरीज में क्या होगा।